हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 31 जुलाई 2020। तो 31 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेमी वर्डी। जेमी वर्डी ये देखिए आपके सामने है, जिन्होंने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लीसेस्टर सिटी के जर्मी वर्डी ने अपने करियर में पहली बार अपने नाम 23 गोल के साथ प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार जीता। लीसेस्टर सिटी के फॉरवर्ड जेमी वर्डी ने अपने युवती गोल्डन बूट पुरस्कार का दावा किया और इस पुरस्कार का दावा करने के लिए प्रीमियर लीग इतिहास में सबसे पुराना खिलाड़ी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर अनुदान को मंजूरी दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर एडीबी दिया है भारत को COVID-19 का मुकाबला करने के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने COVID-19 महामारी को सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 22 करोड़ रुपए अनुदान की मंजूरी दी है। अब चलिए, यहाँ दोस्तों एडीबी का बात आया तो एडीबी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक है मासात्सुगु असाकाबा और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और स्थापना किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में कहां पहले मेन हॉल सफाई रोबोट बैंडी कोट का उद्घाटन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में पहले मैन हॉल सफाई रोबोट बंडी कोट का उद्घाटन किया गया है। ये देखिए आपके सामने है रोबोट। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैन हॉल सफाई रोबोट आई को बंडी कोट का उद्घाटन किया है। मैन हॉल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मैनहोलों को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने के लिए गुवाहाटी पूरे देश में तीसरे शहर है। और गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी ले लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के लिए प्रशिक्षण अनुसंधान और स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता एक आभासी मंच पर था। संधि का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में आईआईटी कानपुर को सहायता प्रदान करना है। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया है। अब चलिए यहाँ आईआईटी कानपुर और पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो चेयरमैन ऑफ आईआईटी कानपुर हैं के राधा कृष्णन और डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर हैं अभय करंडीकार। अब चलिए जान लेते हैं पीएफसी के बारे में।
तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है रविंद्र सिंह ढिल्लो और हेडक्वार्टर है पीएफसी का नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, हाल ही में पेटीएम मनी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण श्रीधर। ये देखिए आपके सामने है वरुण श्रीधर, जिन्हें पेटीएम मनी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, वरुण श्रीधर को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण यादव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। अब चलिए यहाँ पेटीएम का बताया, तो पेटीएम का कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और हेडक्वार्टर है पेटीएम का नोएडा उत्तर प्रदेश में और स्थापना किया गया था 2010 में। नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसा वीडियो आप प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जीके जीएस भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा है, हाल ही में किसने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है। अब चलिए जान लेते हैं बहुत जरूरी है क्या है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव और सतारा और कर्नाटक के धारवाड़, मैसूर और कोडागु शामिल है। तो दोस्तों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जिसका टैगलाइन है जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन में ए में है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है रजनीश कुमार और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अब चलिए एलआईसी का बात कर लेते हैं जो कि ऑप्शन बी में है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसका फुल फॉर्म होता है और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही और चेयरमैन है एम आर कुमार और स्थापना किया गया था एलआईसी का 1 सितंबर 1956 को। अब चलिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं, जो इसका भी हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में ही है और सीईओ है महेश कुमार शर्मा और स्थापना किया गया था मार्च 2001 को। चलिए इतना जानकारी काफी है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, हाल ही में किसे यूएन और आईसीओएनजीओ द्वारा करमवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील YDBSS। ये देखिए आपके सामने है सुनील YDBSS, जिन्हें यूनाइटेड नेशन और ICONGO द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, SS मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव SS को IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स कॉन्क्लेव में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ NGO द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड द्वारा करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। अब चलिए यहाँ यूनाइटेड नेशन का बात आया, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं बिपिन रावत, जो कि हमारे वर्तमान समय में चीफ डिफेंस स्टाफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर आठवा, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जुलाई को। 30 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को पर्सन्स में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में महासभा ने 30 जुलाई को मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया। तो दोस्तों, द 2020 थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग है कमिटेड टू द काउज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका थीम है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दोस्तों 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। और 28 जुलाई को दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है जिसका थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, अर्चना सोरेंग। ये देखिए आपके सामने है अर्चना सोरेंग, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर नए युवा सलाहकार समूह हेतु नामित किया। नए सलाहकार समूह में दुनिया भर के 18 से 28 वर्ष के बीच के 7 युवा जलवायु नेता हैं और बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने हेतु दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। अन्य चुने हुए सदस्य निसरीन एल्सिन जो कि सूडान की है, अर्नेस्ट गिब्सन जो कि फिजी की है, व्लादिस्लाव कैम, सोफिया कियानी, नेथन मेटेनियर जो कि फ्रांस की है, पालोमा कोस्टा ब्राजील की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्शन डायरेक्टर थे। ये देखिए आपके सामने परवेज खान जो कि एक्शन डायरेक्टर थे और उनका निधन हो गया है 55 वर्ष की आयु में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्शन निर्देशक परवेज खान, जिनका 55 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया, वह 1986 से फिल्म उद्योग के साथ काम कर रहे थे और उद्योग में लगभग 35 वर्ष काम किया। उन्हें अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जॉनी गद्दार, विश्वरूपम, विश्वरूपम 2, देवडी, गैंगस्टर, शहर, अब तक 56, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सोल्जर और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा जाने का फैसला किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने का प्रस्ताव किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया। मंत्रालय का नाम बदलने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में एचआरडी मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं को नया रूप देने हेतु नई शिक्षा नीति NEP 2020 भी मंजूरी की है। और दोस्तों NEP 2020 भारत में 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदलेगी। चलिए अब कुछ शिक्षा बेहतर होने का संभावना लग रहा है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स डेली देखना है और GK GS भी देखना है और क्यूज भी खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स GK GS मैथ और रीजनिंग
का यूज एवरीडे होता है दोस्तों, टाइम बाय टाइम। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।